उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते चलते जहां ऑक्सीजन की किल्लत हुई उसको लेकर के रायबरेली के सिख समाज ने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसमें बतौर फ्री ऑक्सीजन जो है लोगों को, ज़रूरतमंदों को मिलेगा। और लगातार जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ रहा है, तो जिस व्यक्तियों को खाने की दिक्कतें हो रही उसको भी लेकर के एक पहल है। और यहाँ पर राशन किट भी रखा गया है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर गुरुद्वारे की तरफ से जो डेली यूज में दाल है, चावल है, गेहूं है, और देखा जाए तो स्टीमर भी दिया गया, क्योंकि अगर इस समय देखा जा रहा ऑक्सीजन की दिक्कतें जिस प्रकार हो रही, तो स्टीमर भी भाप लेने के लिए है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है उनको भी रखा गया है, ताकि जो ज़रूरतमंद है उन्हें ऑक्सीजन दिया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। इसको लेकर के इस पहल की शुरुआत की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं गुरुद्वारे के, और इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी शुरुआत किस प्रकार होगी। भाई साहब, सबसे पहले आर एक्सप्रेस आपको बहुत बहुत बधाई देता और धन्यवाद देता कि इस प्रकार जो शुरुआत आपने की, और लेकिन इस शुरुआत कहाँ से की, क्या आपने सोचा था? क्योंकि जो कोरोना की बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसमें ऑक्सीजन की समस्या कुछ घरों पे लोग हैं उनको आ रही थी, उस उद्देश्य को देखते हुए हमें प्रेरणा लखनऊ के आलमबाग गुरुद्वारा सरदार निर्मल सिंह जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनसे मिली, और हमारे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह मिंटू जी भी इस चीज़ को सराहा। और इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपने समाज की ओर से गुरुद्वारा फिरोज गांधी में ऑक्सीजन जिनको ज़रूरत होगी वो अपना खाली सिलेंडर लेके आएंगे और भरा हुआ सिलेंडर लेके यहाँ से जाएंगे, और उसके साथ जो भी राशन पानी या अन्य और कोई भी ज़रूरत होगी ज़रूरतमंद को, वो हमारी जो समाज की ओर से उपलब्ध हो सकेगा उसको उनकी सेवा की जाती। ये सेवा हम लोगों को, सिख समाज को या श्रद्धालुओं को तन तन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुई है, सभी गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुई है। इतिहास आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इतिहास बहुत लंबे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सिख समाज सदैव आगे रहा है और रायबरेली में भी सबसे आगे आज भी रहना चाहता है और सेवा करना चाहता है। समाज की ओर से ये जो सेवा प्रारंभ कीजिए है, थोड़े से बहुत होती है, शुरुआत आज कर दी गई है और लोगों ने सेवाएं लिखाना भी शुरू कर दी हैं कि हम सब लोग इस पे सेवा बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं। और हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री जी भी इस पे बड़े ही सतर्क हैं, उन्होंने भी बड़ा प्रेरणा लोगों को दी हुई है कि आप मानव जात की सेवा करें, बढ़ चढ़ के सेवा करें। कहते हैं एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, एक मुट्ठी सब कुछ कर सकती है। अगर हम सारा मानव सारा प्रांत एक हो जाएँ और सेवा में जुट जाएँ, आज पहल हमारी है, कल दूसरा धर्म करेगा, परसों तीसरा मानव करेगा। और इसमें सबसे बड़ा आप लोगों का धन्यवाद है, जो आप लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करते हैं। हम लोग चार पांच नाम जो है आप द्वारा, होर्डिंग द्वारा, फेसबुक द्वारा प्रचलित कर देंगे, जिनको ज़रूरत होगी वो फ़ोन करेंगे, उनकी ज़रूरत जो भी होगी, जो यहाँ पर संभव होगा वो सेवा की जाएगी। इसमें सारी संगत की ओर से गुरुद्वारा फिरोज गांधी की तरफ से प्रारंभ हुई है। कि सबसे बड़ी चीज़ देखा जाए तो इस समय ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत चल रही है, तो आपके समाज को प्रशासन की ओर से किस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं मेंटेन कैसे हो रही है, और कैसे आप लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी दिक्कत है, तो कैसे आप लोग इसको मैनेज? हमारी प्रशासन से बात भी हुई, उन्होंने भी कहा है कि जो भी आप लोगों को भरवाने की दिक्कत आएगी हम लोग आपके साथ हैं। और गुप्ता जी भी अभी यहाँ आए हुए थे जिनकी फैक्ट्री है, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो सरकारी रेट होगा उसी से हम सेवा के भाव से हम भी आप लोगों को जब भी ज़रूरत होगी भर के देंगे। तो जो भी लोग लेने आएंगे उनको निःशुल्क, जिस प्रकार आप बता रहे हैं ऑक्सीजन दिया जाएगा, तो उनसे क्या क्या आईडी मांगी जाएगी, क्योंकि लगातार आप जिस प्रकार सेवा करेंगे तो क्या उनको प्रूफ देना पड़ेगा? आधार कार्ड देना पड़ेगा, जो बीमारी के उनके पास दवाई के पर्चे होंगे, और जो शासन की प्रशासन की गाइडलाइन होगी उसी के आधार पे हम एक रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, उसी मेंटेन से जो वो कागज लाएंगे उनको सेवा पूर्ण की जाएगी। भाई साहब, आप आर एक्सप्रेस के माध्यम से रायबरेली की जनता से क्या अपील करेंगे और लोगों से क्या उम्मीद? मैं त्रिलोचन सिंह चावला, मैं रायबरेली की जनता से यही निवेदन करूँगा कि अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना भी है तो मास्क लगा के निकलें। कोरोना वायरस अभी किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कम हो गया है, ये सब लोगों के प्रयास से कम हो गया है। और जनता से यही अपील करूंगा कि अगर ज़रूरत नहीं है तो अभी घर ही पे ही रहें,
वो घर से बाहर ना निकले। ये राशन किट और ऑक्सीजन कैसे लोगों तक अवेलेबल हो पाएगी, क्या आपने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया या आपने कोई सही? हाँ, हेल्पलाइन नंबर तो हम लोग जारी कर देंगे, 4-5 लोग मिलके इसको नंबर ओपन कर देंगे, और जिस भी नंबर पे अगर मैसेज आएगा या बात होगी तो उसके घर पे ही पहुंचा दिया जाएगा, नहीं तो गुरुद्वारे में उसको बुला के सामान दे दिया जाएगा। कारण यही है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे और परेशान ना रहे। हमारे सिख समाज फिरोज गांधी कॉलोनी से सभी ने ये एकजुट होकर ये सेवा प्रारंभ की है। तो ये हमारे साथ सिख समाज के कुछ लोग थे जिन्होंने आज फ्री ऑक्सीजन की शुरुआत की है। लगातार जो लॉकडाउन के दौरान राशन नहीं ले पा रहे हैं उनको भी राशन किट की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आर एक्सप्रेस इस पहल को सराहता है, और जो भी ज़रूरतमंद हो वो जरूर इस पहल को सराहें और लोगों तक ये सुविधा जरूर पहुँच पाए। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।